स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। सो फर्स्ट वन इज़ कॉल्स रिएक्शन। जो कॉल्स रिएक्शन होती है दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता है जिसमें फिनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, बट सेकेंड जो इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले हम जो फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन एल्कली के साथ करवाते हैं, तो जो रिमूव होता है दैट इज़ वाटर। वाटर रिमूव हो गया तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो जो फॉर्म होगा दैट इज सोडियम सैलिसिलेट, सॉरी दिस इज फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मैकेनिज्म बताऊंगी कैसे फॉर्म होगा। तो जब इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद दिस इज सोडियम सैलिसिलेट, इसे हम बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। और जब इसे डिल्यूट HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करवाया जाता है तो यहाँ से नाइट्रोजन और क्लोरीन NaCl बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो इसे हम अगर नेमिंग करें तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 2-hydroxy दिस इज बेंजीन, बेंजीन ये इसका ओएक ऐसे लगता है, बेंजीन बेंजीनोइक एसिड अगर हम इसकी आयुपिक नेमिंग करें। तो लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म, जब हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और OH जो रिमूव होके वाटर रिमूव हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं रेजोनेंस, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, सोडियम रिमूव होगा, Na पॉजिटिव, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगी, तो क्या फॉर्म होगा? कीटोन, ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज था, तो कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया था, और इस पे नेगेटिव चार्ज सोडियम के साथ इंट्रैक्शन, तो सोडियम ये डेरिवेटिव बना है अभी, तो दिस इज़ नॉट स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल नहीं है, एरोमेटिकसिटी मेंटेन नहीं है इसकी, तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म होगी। टॉटोमरिज्म, कीटोनॉल टॉटोमरिज्म, मैंने लेक्चर अपलोड किया है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का, +1 का, आप देख सकते हैं टॉटोमरिज्म क्या होती है। तो टॉटोमरिज्म में क्या होता है, ये कीटोने ग्रुप चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, फिनोलिक ग्रुप में, इनोल ग्रुप में बोलते हैं हम। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये H पॉजिटिव जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो OH फॉर्म हो गया। यहाँ पे CO, Na पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट है, तो दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। तो जब हम HCl यूज़ किया था, HCl प्रोटोन देगा, तो जो प्रोटोन है ये वाला नेगेटिव चार्ज इसे प्रोटोन को लेगा, यहाँ पे प्रोटोन जाएगा, तो जो Na है वो Cl के साथ माइनस NaCl रिमूव हो जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा? सैलिसिलिक एसिड। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कॉल्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ रीमन
Tiemann reaction. That reaction is used to prepare salicylaldehyde. तो यहाँ पे उस reaction में आ जाएगा aldehyde group. तो उसे हम salicylaldehyde बोलते हैं. तो next reaction discuss करते हैं. Next reaction is Riemer-Tiemann reaction. This reaction is used to prepare salicylaldehyde. टू hydroxybenzaldehyde भी बोलते हैं this product. तो इस reaction में क्या होता है, हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कली. तो यहाँ से NaCl और वाटर रिमूव होता है. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई, यहाँ पे CHCl2 लग गया और सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म होता है. मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कैसे होगा. तो यहाँ से दो क्लोरीन NaOH ऐड करते हैं, यहाँ से दो क्लोरीन और दो सोडियम है, वो -2NaCl रिमूव होता है. तो जो दो OH बनते हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं. एक कार्बन पे कभी भी टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते. इसकी वजह से यहाँ से जो ये इधर शिफ्ट होगा और ये रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाता है, ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप. और जो यहाँ पे अभी सोडियम फिनोक्साइड बचा है तो उसको हम ट्रीट करवाते हैं HCl के साथ. जब HCl के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो -NaCl हो जाता है और जो H है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाता है टू प्रिपेयर सैलिसिलाइल एल्डिहाइड. तो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. मैकेनिज्म जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो हम एल्कली के प्रेजेंस में करवा रहे थे रिएक्शन. तो क्लोरोफॉर्म में से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड करके वाटर बन जाएगा क्योंकि बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है. तो CCl3- में से जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो जो जो फिनोक्साइड है फॉर्म हुआ होता है, फिनोक्साइड के थ्रू रिएक्शन होती है. इसका नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया गया. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसमें डबल बॉन्ड, तो CCl2. तो जो कार्बन पे लोन पेयर थे वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा. तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए तो एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी, यहाँ पे बन गया CHCl2. अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो -2NaCl होता है, यहाँ से दो क्लोरीन, ये एज इट इज़ रहेगा. तो यहाँ पे जो OH बचे थे वो कार्बन पे आके लग जाएंगे. तो कार्बन पे कभी भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इसलिए ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और ये रिमूव हो जाएगा. तो वाटर माइनस वाटर होगा. तो अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा CHO O-. तो अब इसकी हम H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से, HCl से. तो यहाँ पे H पॉजिटिव लगेगा और जो सैलिसिलाल्डिहाइड वो प्रिपेयर हो जाएगा. ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एक दो और रिएक्शन डिस्कस करनी है. नेक्स्ट वन इज़ कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन में हम डाई प्रिपेयर करते हैं, जो ऑरेंज डाई प्रिपेयर की जाती है जिसमें डाई एजो कॉम्प्लेक्स बनता है. डाई एजो दैट मीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. तो जब हम बेंजीन यहाँ पे हम लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट करवाते हैं विद फिनोल. तो जब डाइजोनियम सॉल्ट को फिनोल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जो
रिएक्शन होती है यहाँ से, जो सॉरी ये फिनोल हाइड्रोजन इधर आएगा और फिनोल इधर आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है इन केस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ से HCl माइनस हो गया, माइनस HCl, तो जो प्रिपेयर होता है दैट इज दिस इज ऑरेंज डाई। ये हम लेबॉरेटरी में रिएक्शंस करते हैं, ऑरेंज डाई प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम डाई एजो भी बोलते हैं। डाई एजो कम्प्लेक्स बोला जाता है, डाई एजो क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड यूज़ किया जाता है। इसे हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन क्यों? क्योंकि दोनों आपस में ब्रिज की तरह आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो डाई है उसे हम एजो डाई भी बोलते हैं। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन है दैट इज एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम जो पोटाशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में फिनोल को ट्रीट करवाते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन लिया जाता है, ये फिनोल को हम ट्रीट करवाएंगे पोटाशियम पर सल्फेट में O8, तो जो प्रिपेयर होगा डाई अल्कोहल्स प्रिपेयर होंगे, मतलब ये कैटेकोल हो गया, जनरल नेमिंग हम जब करते हैं तो मिक्सचर होगा एक ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि हम ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहे हैं, और एक पैरा पोजीशन पे दिस इज किनोल। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में हमने ऑक्सीजन ऐड करवाया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन होती है थैलिक एसिड के साथ, थैलिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल फथैलिन प्रिपेयर होता है। फिनोल फथैलिन को हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं टाइट्रेशंस में। तो जब हम 2 मोल्स लेंगे यहाँ पे फिनोल के, तो ये हाइड्रोजन, ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, तो इसको हम ट्रीट करवाएंगे विद एसिड थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड होता है बेंजीन, बेंजीन के साथ CO ग्रुप और यहाँ पे आएगा O ग्रुप, तो जो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, तो अगर वाटर रिमूव होगा तो जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा दैट इज़ फिनोल फथैलिन। तो फिनोल फथैलिन इज़ यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड और बेसिस, हेल्प इन टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस में भी यूज़ होता है। तो दिस इज फिनोल फथैलिन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसे हम बोलते हैं फिनोल फथैलिन। तो कैसे हुआ? थैलिक एनहाइड्राइड को हमने ट्रीट करवाया 2 मोल्स ऑफ फिनोल के साथ, तो वाटर रिमूव हो गया, इसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में करवाते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। तो इसके साथ जो है फिनोल ख़त्म हो गया, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में एस्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।